क्या राय होगी किरण, मॉजर बियर, सोलेक्ट एनर्जी, उजास एनर्जी, एचबीएल पावर, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, तमाम कंपनियां छोटे मझोले हैं, किसमें किसी में दम है बड़ा रिटर्न मिलने की? देखिए, दो तीन कंपनी है जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। पहला नंबर आपने जिन जिनके नाम लिए उसमें से पहला नाम उजास का आता है। उजास का मेरा मानना है कि अगले एक साल डेढ़ साल का अगर व्यू रखते हो तो ₹100 के ऊपर के टारगेट आपको देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा होगा एचबीएल पावर। एचबीएल पावर में भी मुझे ऐसे लगता है कि ये इधर से एक अच्छा कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, डिसेंडिंग चैनल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इसका टारगेट करीबन 65-70 का रहेगा अगर छोटे मीडियम टर्म का आउटलुक देखे। अगर एक हफ्ते का व्यू देना है तो मैं करीबन 50 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा एकदम छोटे मजले में देखना है तो इंडो सोलर है, पर मुझे नहीं मालूम कि कितना स्ट्रेंथ ये दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है और मैं पेनी स्टॉक पे ज्यादा भरोसा नहीं करता। तो इधर हाई रिस्क वाला स्टॉक रहेगा, मुझे लगता है कि 10-11 का टारगेट रहना चाहिए अगले एक दो हफ्ते, और ₹7.20 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए।